डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से 30 क्वेश्चंस वन लाइनर के आप सबों के बीच आ चुके हैं। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसके क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसके आंसर आप जान रहे हैं। इसका उद्देश्य यह भी है कि इसमें छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पॉपुलर क्वेश्चंस यहां पे कर लिए जाएं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में, हर वनडे के एग्जाम्स में दिखाई देते हैं, तो इनका आंसर आप करें और देखें कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं विदाउट चॉइस इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है, यानी थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड बाय विच यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन में इसके थिकनेस मापा जाता है, एक डॉप्सन 0.01 mm के बराबर होता है, यानी मिलीमीटर के बराबर होता है। दरअसल ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर रफली 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में होता है, जो हमारी धरती को सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है, लेकिन फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या फिर फोम उद्योग से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इस ओजोन परत का क्षरण होता है, यानी डिप्लेशन होता है, यानी ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक जो सब्सटेंस है वो है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए बोई जाने वाली फसल कौन सी है, कौन सा क्रॉप सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैडी, धान, यानी चावल की सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती की जाती है। आप जानते होंगे कि चाइना चावल में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में पश्चिम बंगाल चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आज का तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है, पृथ्वी पर पूरी अर्थ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। यहां पर आप बिल्कुल ध्यान रखें, कई लोगों की भावें चढ़ गई होंगी। दरअसल पूरी पृथ्वी पर लोहा सबसे अधिक लगभग 35% पाया जाता है, जबकि अर्थ क्रस्ट में जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है उस पर सबसे अधिक, यानी भूपरपटी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, जो लगभग रफली 46% होता है। आज का चौथा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, फर्स्ट सर्मन ऑफ महात्मा बुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ, बनारस के पास सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 463 बीसी में 463 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आज का पांचवा क्वेश्चन, उस दर को, रेट को क्या कहते हैं जिस दर पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है, उस रेट का नाम क्या है जब RBI कर्ज देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक रेट। बैंक दर कहलाता है जब RBI SBI जैसे बैंकों को कर्ज देता है तो उस पर एक ब्याज लेता है, इस ब्याज को ही बैंक दर कहते हैं। याद रखें ये बैंक दर लंबी अवधि के ब्याज होते हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए एक सप्ताह 15 दिन के लिए ये कर्ज ऋण डेट होगा तो इसे रेपो रेट कहते हैं। तो बैंक दर और रेपो रेट एक ही चीज है, लेकिन बैंक दर लंबी अवधि के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। छठा क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, विक्रमशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल ने, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में भागलपुर के आसपास शासन कर रहे थे। इन्होंने बिहार और बंगाल के शासक थे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार पाल, गुप्त शासक कुमार पाल प्रथम ने की थी। सातवां क्वेश्चन, डिकी बर्ड प्लान किस देश के, इस प्लान के तहत, यानी डिकी बर्ड प्लान के तहत किस देश का बंटवारा हुआ, यानी किस देश के डिवीजन को डिकी बर्ड प्लान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत का जो विभाजन हुआ उसके लिए डिकी बर्ड प्लान या बालकन प्लान या माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम दरअसल एक ही हैं, इस सब के पीछे लॉर्ड माउंटबेटन का हाथ था। आज का आठवां क्वेश्चन, मगध का कौन राजा सिकंदर का समकालीन था, यानी कंटेम्प्ररी ऑफ अलेक्जेंडर, विच रूलर ऑफ मगधा वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ
अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। आप जानते हैं कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर इन्वेजन किया था और पोरस के साथ हाइडेस्पस का युद्ध किया था। पंजाब के आसपास का शासक पोरस उसके साथ 326 बीसी में झेलम का युद्ध हुआ यानी हाइडेस्पस की लड़ाई, और इस समय पूरे भारत का शासक घनानंद था जो पाटलिपुत्रा में शासन कर रहा था, नंद वंश का शासक। नवा क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। डच साइंटिस्ट लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो आप यहां पर यह भी जानते होंगे कि वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। आज का 10वां क्वेश्चन, कन्याकुमारी किस समुद्र तट पर स्थित है, किस ओशन के किनारे स्थित है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। हिंद महासागर के तट पर कन्याकुमारी स्थित है जो केरल का भाग है। आप जानते हैं कि भूखंड में लैंड फॉर्म में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन भारत का सबसे फॉर्देस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु द्वीपीय अंडमान निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। याद रखें, भूखंड लैंड फॉर्म में कन्याकुमारी, लेकिन अगर द्वीप में आप आएंगे तो और दक्षिण आपको जाना पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप में, जहां ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आज का 11वां क्वेश्चन, कोलार खान कहां स्थित है, कोलार माइंस? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में कोलार और हट्टी माइंस जो हैं वो सोने के खान हैं और सोने के उत्पादन में टॉप मोस्ट कर्नाटका है। आज का 12वां क्वेश्चन, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। 1835-36 में कुछ समय के लिए ये भारत का वायसराय बने थे। इन्होंने कुछ ऐसे कानून, खासकर लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 में पास किया था, जिसमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें थी जो प्रेस को लिबरेशन यानी फ्रीडम देती थी, तो इसीलिए इन्हें फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है, कहां है, कहां पर दोनों मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट? सोच लें, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी पर्वत जो तमिलनाडु में है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आप जान लें कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट भारत का जो तटीय दक्षिणी भाग है उसका पूर्वी और पश्चिमी भाग है, इसके कोस्टल रीजन को घाट कहते हैं, तो दोनों के मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक, रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, रबर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल मसालों के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए मसाला राज्य भी इसे कहते हैं। तो केरल आप ध्यान रखेंगे, मालाबार तट केरल में ही स्थित है और पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में ही स्थित है। आज का 15वां क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहां है, गोबी डेजर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन का उत्तरी पार्ट और मंगोलिया का दक्षिणी पार्ट दोनों मिलकर गोबी डेजर्ट का निर्माण करते हैं, विशाल डेजर्ट है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। आज का 16वां क्वेश्चन, बोरा जनजाति कहां पाई जाती है, बोरा ट्राइब वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, विश्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेज़न के जंगल में, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया के आसपास अमेज़न के जंगलों में बोरा ट्राइब पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पिग्मी जनजाति कांगो में, अफ्रीका के कांगो में पाई जाती है, तो ये दोनों जनजातियां बोरा, यहां पर बोरो लिखा हुआ, आप इसे बोरा बोरा पढ़ें, BORA बोरा, तो बोरा और पिग्मी आपको ध्यान में रखना है, पिग्मी कांगो अफ्रीका और बोरा अमेज़न ब्राजील के आसपास। आज का 17वां क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर।
अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के आसपास इस सिद्धांत को दिया था, जिसके अनुसार पूरी पृथ्वी 7 बड़े प्लेटों पर टिकी हुई है और यही प्लेटें जब टकराती हैं तो भूकंप जैसे जैसी घटनाएं होती हैं। तो आप अल्फ्रेड वेगनर का ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट उपग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम का उपग्रह, ग्रह नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैनीमीड। जुपिटर यानी बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम, जिसमें 8 ग्रह हैं, सबसे बड़ा उपग्रह है। आप यह भी जान लें कि जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। 19वां क्वेश्चन, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अर्बन पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा 31.2। तो इसका मतलब हो गया कि 88.8 भारत में ग्रामीण जनसंख्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज सर्वाधिक गोवा में है परसेंटेज में, जबकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। 20वां क्वेश्चन, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचारक थे जर्मन में, यानी कि जो कैथोलिक धर्म था, जो काफ़ी रूढ़िवादी कहा जाता है, उसके विरोध में ये प्रोटेस्टेंट धर्म जर्मनी में फैला, जिसके प्रचारक थे, फिलोसोफर थे मार्टिन लूथर। और भारत में दयानंद सरस्वती को, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहते हैं। आज का 21वां क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिप्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिप्रा नदी के किनारे। आपको नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम ध्यान में रखने चाहिए। आज का 22वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में ये लागू हुआ। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का संविधान अपना सेपरेट संविधान है, एकमात्र राज्य जिसका अपना अलग संविधान है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आज का 23वां क्वेश्चन, दीन बंधु के नाम से कौन लोकप्रिय हुए? किन्हें दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज। ये ब्रिटिश पादरी थे और महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। इन्होंने भारत में रहकर बहुत सारी सामाजिक सेवाएं दी, इसलिए इन्हें दीन बंधु के नाम से जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे। आज का 24वां क्वेश्चन, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पर कैपिटा इनकम भारत में किस राज्य के लोगों की सबसे अधिक है पर कैपिटा इनकम? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में सबसे अधिक है, जबकि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। पर कैपिटा इनकम जो आय होता है किसी भी राज्य की, टोटल आय साल भर की, उसे अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। आज का 25वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किस अमेंडमेंट को? तो इसका आंसर है 42वां, 42nd अमेंडमेंट, जो 1976 में, 1976 में आया। इस वक्त इतने सारे संशोधन हुए कि इसे मिनी संविधान कहा जाता है। आज का 26वां क्वेश्चन, RBI की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पे हुई थी? कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग। हिल्टन यंग की सिफारिश पर ही RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। RBI के पहले जो हेड थे, गवर्नर थे, वे थे सर ऑसबर्न स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख 1943 में। आज का 27वां क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन,
तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। मछली उत्पादन को बढ़ाने का जो संकल्प लिया गया, बहुत सारी योजनाएं चली, उसे ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। आज का 28वां क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, लाफिंग गैस का? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। आज का 29वां क्वेश्चन, कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड किसे कहते हैं, पेपर गोल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF SDR जारी करता है अपने सदस्य देशों को। ये एक तरह का प्रॉमिस है जो पेपर में लिखा हुआ होता है और इसे कहीं भी भुनाया जा सकता है। एक SDR लगभग 100 रुपये के बराबर होता है। ये IMF जारी करता है अपने सदस्य देशों को। आज का 30वां और अंतिम प्रश्न, नींबू में कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, लेमन में? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड, सिट्रा। आपने एक नाम सुना होगा, इस तरह का एक कोल्ड ड्रिंक्स आता था तो नींबू का वो होता था, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। इस तरह के एसिड इमली में, दूध में, कोल्ड ड्रिंक्स में, इनको आपको याद करना चाहिए, ये बराबर एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो आज का ये 31 लाइनर्स कैसे हैं, कैसा लगा आपको और आपने कितने स्कोर्स किए, आपने कमेंट ज़रूर दें। यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द 10 टॉपिक्स वाला जो एपिसोड है वो कुछ घंटों के बाद आपके सामने आएगा। यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे, टेक केयर।